युवा नेता अरुण धूमल ने कहा कि सुजानपुर क्षेत्र के युवाओं को नई सरकार बनाने के बाद रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि ये भावी मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में विकास की गंगा बहती है। अरुण धूमल ने सुजानपुर क्षेत्र के वाड़ू, झरोट, चितेहड़, कुहाड़ा, बैरी और कतलियाना बस्ती में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि वैसे भी हमीरपुर जिला और पूरे निचले हिमाचल का विकास प्रेम कुमार धूमल की देन है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा निचले हिमाचल के लोगों के हितों से खिलवाड़ किया है। अरुण धूमल ने कहा कि सुजानपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय खोला जाएगा। सुजानपुर के चौगान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, जिससे यहां सैलानी आएंगे और उनकी संख्या बढ़ने से नए रोजगार उपलब्ध होंगे। नए कार्यालय खोलने के कारण सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि हमीरपुर पालमपुर नया नेशनल हाईवे घोषित हुआ है, जिस पर सुजानपुर पड़ता है। प्राथमिकता के आधार पर इस हाईवे का कार्य पूरा किया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों और सैलानियों को सुजानपुर पहुंचने में किसी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह एवं स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों व सैकड़ों महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग उपस्थित रहे। युवा नेता अरुण धूमल ने कहा कि सुजानपुर क्षेत्र के युवाओं को नई सरकार बनाने के बाद रोजगार के नए आयाम खोलेंगे।